हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दौर? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे से होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये सिम वाला बॉक्स आया हुआ है मेरे पास, 15.06T वाला वर्जन है, न्यू सेट i5000 एक्सट्रीम, ये रेड लाइट पे आया हुआ है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इसमें चेक करेंगे कौन कौन से मसले हैं और कौन कौन से मसले अमूमन स्क्रीन में हो जाते हैं। सारी डिटेल के साथ वीडियो शेयर की आप दोस्तों के लिए। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे ताकि ऐसी मदद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई रेड लाइट शो। इसमें देखो रिसीवर वन अपना नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अपन को वोल्ट चेक करने होंगे। तकरीबन मैं हर वीडियो में आप दोस्तों को बोलता हूँ वोल्ट लाजमी चेक करने होंगे। अगर वोल्ट चेक करने से दोस्तों अपन रिसीवर तकरीबन 100% ओके हो जाते हैं। और वोल्ट मीटर जो है ना डिजिटल यूज़ करना है, ऐसे नहीं आप एनालॉग मीटर से चेक करो। और आप डिजिटल मीटर से चेक करोगे तो 19-20 वोल्ट इसमें नहीं चलते। ठीक है दोस्तों, 5 वोल्ट वो क्या रहे हैं, 3.3 वो क्या रहे हैं, 1.11 ये भी वो क्या रहे हैं, 1.8 चेक करेंगे ये भी वो क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके वोल्ट तकरीबन सारे ठीक आ रहे हैं, फिर भी रेड लाइट पे है। दोस्तों इसमें रेड लाइट का इशू जो आता है वो इसमें अमूमन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का भी इशू आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर करने के से पहले अपन को दोस्तों इसमें जो स्विचर ट्रांसफर लगा हुआ है उसका ध्यान देना होगा। ठीक है, ये वाली मेमोरी आईसी अक्सर इसकी ख़राब भी हो जाती है, तो सबसे पहले अपन मेमोरी आईसी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्विचर लगा हुआ है, ये वाला इसको कर लेंगे ओपन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अमूमन ये ट्रांसफर लगा हुआ है इसी बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, 15.06T वाला वर्जन है, इसमें ये ट्रांसफर अपन ओपन करने के बाद भी अपना रिसीवर प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा दो, अगर ना अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप ना लगाओ तो कोई इशू नहीं आएगा रिसीवर में, रिसीवर बिल्कुल ठीक वर्क करता है। तो मैंने कर दिया ओपन। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद अपन चेक करते हैं इसी रिसीवर अपना हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, देखो ऑन हो चुका है बिल्कुल, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ओपन। अभी मेरे पास ट्रांसफ़र भी पड़ा हुआ है, फिर भी मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ। इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी नमी की वजह से इसमें कोई भी फॉल्ट आ सकता है, तो ये ट्रांसफ़र फिर इस रिसीवर को बंद कर देगा। तो वे इसी मॉडल में मैंने तजर्बा किया हुआ है, इसी मॉडल में मैंने ट्रांसफ़र काफ़ी रिसीवरों से मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी तक ठीक चल रहे हैं, बराबर ओके चल रहे हैं, कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, रिसीवर हो गया अपना ओके, देखो बगैर ट्रांसफ़र के चल रहा है। दोस्तों ऐसे नहीं आप हर रिसीवर में से निकाल के फेंक दो, सिर्फ इसी मॉडल में। ठीक है, 15.06T वाले वर्जन में ये छोटी आईसी लगा हुआ है इसमें, वो 15.06 वाले वर्जन में लगाना लाजमी पड़ेगा। अभी इसी हो गया अपना ओके, उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और दोस्तों से शेयर लाजमी करना। अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को फ्यूचर में टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसका मॉडल नंबर ये है, मैंने आप दोस्तों को बता दिया था, फिर भी मैं इससे दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। 15.06T AD2VGX1.1 वर्जन है इसका, ये वाला ट्रांसफर मैंने देखो ओपन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।